अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। ये मेरे पांच पांच रंग की दाल जो बनाते हैं ना, पांच रंगों की, ये वो दाल हैगी। इसको मैंने रात भर भिगोया, उसके बाद मैंने इसको सुबह पानी दाल को पानी में डाला और डाल के इसमें इसके अंदर मैंने इतना पानी डाले कि दाल गले सही है। इसके अंदर मैंने पिसा धनिया, हल्दी, पिसी मिर्च, लाल कुटी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और टिप कट काट के थोड़े टमाटर भी डाल दिए। अब इसे गलने छोड़ दिया है और लहसुन अदरक का आधा चम्मच ज़रूर डालिएगा, उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। ये पचमेल दाल कहलाती है। ये जब आप गल जाए ना, अध गली हो जाए, तो इसको अच्छी तरह से इसको घूटिएगा। घूट के ना फिर इसमें इसमें जो है ना भगा लगाइएगा। वो लाल प्याज लाल करें, जीरा डालें, साबित लाल मिर्चे, कड़ी पत्ता और हरी मिर्चे भी कूट के डाल सकते हैं थोड़ी सी, या काट के डालते हैं। इसमें फ्राई हो जाएगी, अच्छी लगी, फ्राई वाली अच्छी लगती है। और इसमें आखिर में भगार लगाने के बाद आखिर में आप है ना इसमें हरा धनिया बारीक कटी अदरक ये डाल के आप सर्व कर सकते हैं। और इसको दाल चावलों के साथ भी खा सकते हैं, जीरे वाले चावल होते हैं ना उससे भी खा सकते हैं, और रोटी पराठे के साथ। मेरी प्यारे व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आगे मिलता रहे। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरी सारी जो रेसिपियाँ हैं बहुत आसान, बहुत ईजी होती हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को सबको पसंद आएगी और आराम से घर में बच्चियाँ भी बना सकती हैं, कोई परेशानी नहीं है इसमें सही है ना। आप इसमें आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और मैं और आप सबको मेरा सलाम, अल्लाह हाफिज़।